साइज ऑफ द डोर्स एंड विंडोज की साइज मालूम होनी चाहिए. फर्स्ट यू नोट डाउन द सिंबल्स, और फर्स्ट यू नोट डाउन द साइज ऑफ द डोर्स एंड विंडोज. डोर का साइज लिखिए, राइट डाउन डी. डिफरेंट साइज के डोर्स होती हैं, उनका विड्थ आपको लेना है 1 मीटर, और हाइट जो रहेगा 2.1 मीटर. ये दिस इज द स्टैंडर्ड साइज, यू कांट चेंज इट. दिस इज सिंपल एक्यूरेट सिंपल. नेक्स्ट आपका डोर D1 इज 1.2 मीटर इनटू हाइट रहेगा 2.1 मीटर. थर्ड देंगे 1.5 मीटर इनटू हाइट सेम रहेगा, हाइट कांट बी चेंज 2.1 मीटर. ऐसे ही जस्ट आपके डी साइज ऑफ द डोर्स एंड देन विंडो साइज ऑफ द विंडोज डब्ल्यू 1 मीटर इंटू हाइट जो है विंडोज की कम होती है 1.2. फुल अगर हाइट डब्ल्यू 1 है 1.2 मीटर इंटू 1.5 मीटर. W2 1.5 मीटर इनटू 1.80. दीज आर द साइज ऑफ द विंडोज. फर्स्ट हम इसको डिजाइन लेआउट में कैसे कैसे जस्ट आप किसी भी रूम का लेआउट बनाते हैं तो आपको रूम की वॉल की थिकनेस मालूम होनी चाहिए, उसमें ओपनिंग कहाँ से आपने डोर्स की एंट्रेंस दिखानी है, और विंडोज के साइजेस यू हैव टू नो द साइज ऑफ द विंडो एंड द डोर. तो फर्स्ट हमने जस्ट एक रूम का डिजाइन बनाया है, तो आपको ये वॉल का थिकनेस यू हैव टू नो द अबाउट द थिकनेस ऑफ द वॉल. ठीक है, तो फर्स्ट आई ड्रा द डिफरेंट सिंबल्स. फर्स्ट सिंबल इज द आउटसाइड डोर. फर्स्ट यू शो द थिकनेस ऑफ द वॉल. वॉल की कंटिन्यूटी को आप, क्योंकि रूम की वॉल की कंटिन्यूटी आप कंप्लीट नहीं दिखा सकते, यू डोंट शो द कंप्लीट लेंथ ऑफ द वॉल. देन यू शो विद द हेल्प ऑफ ब्रेक्स. दिस ब्रेक को आपने इस तरह से आपने जैसे जेट रूट है जस्ट वही शेप आपने लेनी है. यू शो दिस ब्रेक सेम इधर लेंथ में भी आप शो द ब्रेक. एंड वॉल का जो ब्रिक वॉल का सिंबल है, इन सिंबल्स भी आपको मालूम होने चाहिए. ब्रिक वॉल का सिंबल्स होता है डबल लाइन. दीज लाइन्स आर 45 डिग्री एंगल्स. सेम आपने वॉल का थिकनेस कितना लेना है आपने 20 सेंटीमीटर थिक वॉल. यू हैव शो द एरोहेड्स. दिस ओपनिंग इज जैसे मैंने आपको पहले बताया डोर ओपनिंग इज 1 मीटर, स्टैंडर्ड साइज इज 1 मीटर, वॉल थिकनेस इज 20 सेंटीमीटर. तो आपने ये स्केल लेना है क्योंकि कंप्लीट आप लेंथ नहीं शो कर सकते 1 मीटर पे. यू तो फर्स्ट यू इसको स्केल लेंगे. आपको स्केल जो आपने लेनी है 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर. ठीक है, तो जस्ट जैसे आप स्केल लेती है दिस ओपनिंग इज 1 सेंटीमीटर. तो फर्स्ट आपका डोर आप दिखाएंगे आउटसाइड डोर विच ओपन द आउटवर्ड डायरेक्शन. फर्स्ट दिस इज ए बिल्डिंग की एग्जिस्टिंग और एंट्री भी यूज होता है. जस्ट आप एक सेम ऐसे कंट्रा करिए और यहां से इसकी मीटिंग. फर्स्ट है आपका आउटसाइड डोर. यहाँ पर हम शुरू करते हैं पेलमेट. पेलमेट किसके लिए होता है, जस्ट
डोर्स के ऊपर आपको इसके लिए पर्दा वगैरह यूज करने के लिए हम यूज करते हैं। इसकी ये चीज आपने 1 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर सेम 10 सेंटीमीटर और थिकनेस 11.5 सेंटीमीटर। फर्स्ट है आपका आउटसाइड डोर, सेकेंड विच ओपन इन आउटवर्ड डायरेक्शन, सेकेंड है आपका इनसाइड डोर। सेम चीज आप वैसे ही वॉल की थिकनेस दिखाइए 20 सेंटीमीटर थिक वॉल, फिर इसको ब्रेक्स में शो करिए। दिस इज कॉल्ड ए लॉन्ग ब्रेक। आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा ब्रेक्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रेक्स, शॉर्ट ब्रेक्स एंड लॉन्ग ब्रेक्स। सेम इसमें भी मैं ब्रेक की सिंबल दिखा रही हूँ। दिस इज ए ब्रिक वॉल, आपको ब्रिक वॉल में आपको इसको डबल लाइन में शो करना है, ठीक है। और सेकेंड है आपका इनसाइड डोर विच ओपन इनवर्ड डायरेक्शन, तो आप इसको इस टाइप से दिखाएंगे, सेम कर्व दिखाइए और इसको इससे मीटिंग प्लेस में मिलाते हुए। दिस इज ए इनसाइड डोर विच ओपन द इनवर्ड डायरेक्शन। थर्ड है आपका डबल पैनल डोर। सब में सेम प्रोसेस है, आपको वॉल दिखाया है, इसको ब्रेक्स में शो किया, इसमें डबल पैनल डोर मतलब टू डोर्स विच ओपन आउटवर्ड एंड इनवर्ड डायरेक्शन। दिस इज ए डबल डीओयू, इट कैन बी डबल पैनल डोर। सेम इसमें भी आपने ब्रिक का सिंबल दिखाया। इसकी जो ओपनिंग रहेगी दैट इज 1.5 मीटर। आप जैसे स्केल पे बनाएंगे इसमें क्या रहेगा 1.5 सेंटीमीटर, क्योंकि हमने जो है नेक्स्ट है हमारा डबल एक्टिंग डोर। सेम आपने वही सेम चीज दिखानी है, वॉल थिकनेस 20 सेंटीमीटर थिक वॉल, सेम ब्रेक्स एंड इसमें आपने ये आपको आपको स्कैन करके कॉपी भी दी जाएगी, उसमें से आप देख के बनाए। डबल एक्टिंग डोर विच ओपन इनवर्ड एंड आउटवर्ड डायरेक्शन। ऑफिस वगैरह में दीज आर डोर्स आर यूज्ड इन ऑफिस वगैरह। डबल एक्टिंग डोर डायरेक्शन भी मूव करते हैं। नेक्स्ट है आपका विंडो, सिंबल ऑफ विंडो। साइज मैंने आपको बताया है 1 मीटर। आपको ओनली विड्थ दिखानी है, प्लान में ओनली विड्थ, यू हैव टू शो ओनली द प्लान। तो आपने प्लान में ओनली आपको 1 मीटर जैसे आपको जो साइज दिया गया है उसकी दी गई है वही शो करना है। तो फर्स्ट फिगर सिंबल इज द विंडो। सेम प्रोसेस वॉल थिकनेस 20 सेंटीमीटर थिक वॉल, यू शो विंडो के सिंबल को यू हैव टू शो द डबल लाइंस।
स्मॉल थिकनेस में आपको डबल लाइन दिखानी है और पेलमेट जो है वो इनसाइड साइड में दिखाना है. दिस इज द सिंबल ऑफ विंडोज जो है आउटसाइड बिल्डिंग की आउटसाइड दीवार वॉल्स में यूज होती है. दिस इज द सिंबल ऑफ विंडो. वही सेम आपने ब्रिक सिंबल डबल लाइंस 45 डिग्री के एंगल पर पूरी लाइंस. विंडो आर लोकेटेड ओनली आउटसाइड ऑफ द बिल्डिंग्स. नेक्स्ट है आपका ओपनिंग. दिस इज कॉल्ड ए केस्ड ओपनिंग. ये ओपनिंग्स आप वहां यूज करते हो जैसे पार्लर में कोई चीज लेने जाते हो यू हैव टू बाय द. तो पार्लर्स पे जो स्मॉल विंडो होती है जैसे ड्राइंग रूम से किचन में एक सर्विस विंडो बनाई जाती है दैट इज कॉल्ड ए ओपनिंग विदाउट फ्रेम. सेम वॉल का दिखाएंगे आप ब्रेक्स में. दिस इज कॉल्ड ए ओपनिंग. हिडन लाइट्स में दिखाएंगे आप विदाउट पैनल डोर is card without panel is card opening. Symbol wall की symbol वही same brick symbols. इसका size भी इसका size आएगा आपका 0.8 meter. Next है window with double frame. विंडो विद डबल फ्रेम मतलब जस्ट आउटर फ्रेम इज विद द ग्लेस ग्लास एंड इनर फ्रेम में वायर मैच करनी होती है. जैसे आप घरों में यू हैव टू सी घर में आपकी विंडोज होती हैं उसमें डबल फ्रेम होता है. बाहर की फ्रेम में आपको ग्लास चूक किया होता है अंदर की फ्रेमिंग में आपको वायर मैच शो होती है. सेम आप वॉल थिकनेस दिखाइए ब्रेक्स शो करिए. इसकी ठीक जो विड्थ रहेगी आप 1.2 मीटर भी ले सकते हैं और 1.5 भी ले सकते हैं. इसमें आपको जस्ट ये शो कर रहे हैं कि फ्रेमिंग ठीक है. इस फ्रेमिंग को फिल करेंगे आउटसाइड इज द ग्लास एंड इनसाइड में वायर मैश. या आप देखिए इसकी ओपनिंग इज 1.5 मीटर. ब्रिक का सिंपल सेम वॉल थिकनेस इज सेम रहेगी सब में 20 सेंटीमीटर थिक वॉल. नेक्स्ट है आपको लाइटिंग पैनल. घरों में जो लाइटिंग वगैरह में शो करते हो आप पैनल शो करते हो वॉल्स के ऊपर दैट इज कॉल्ड ए लाइटिंग पैनल. दिस इज द वॉल. इसमें वॉल जो है आपको डोर्स दिखाएंगे सिंपल में. जैसे आप देखेंगे दिस इज ए कंक्रीट वॉल. कंक्रीट वॉल में डोर्स प्लस आपको कंक्रीट के सिंबल शो करने हैं. इसमें आपको लाइटिंग पैनल शो कर सकते हो. इसमें 0.6 and 10 centimeter 60 centimeter या 0.6. दिस इज ए लाइटिंग पैनल. इसको आप डार्क शो कर सकते हो, नीचे भी शो कर सकते हो, ऊपर भी कुछ भी कर सकते हो. नेक्स्ट है आपका मेटल फ्रेम विंडो. मेटल फ्रेम विंडोज में क्या होता है एंगल आयरन से यूज होते हैं तो आपको वॉल है कंक्रीट शो करनी पड़ेगी. यू हैव टू शो द कंक्रीट वॉल. सेम थिकनेस सेम रहेगा सब कुछ सेम है बस जो अंदर का मटेरियल है यू हैव टू चेंज द मटेरियल. जैसे आप ब्रिक्स यूज कर रहे थे तो यहाँ आपने कंक्रीट शो कर. तो इसमें जो है एंगल आयरन है आपको शो द एंगल आयरन.
सिंगल आयरन के लिए आप थिकनेस शो करेंगे। दीज आर द एंगल आयरन्स और बीच में शो आपने विंडो का सिंबल शो किया है। मेटल फ्रेम विद कंक्रीट वॉल। नेक्स्ट है आपका लोअर। लोअर्स जो है वो ऑफिस वगैरह में यूज होते हैं, सिंबल सेम रहेगा। नेक्स्ट है आपका पिलर। पिलर मतलब पोस्ट, इसमें लिखा हुआ दैट इज कॉल्ड ए पिलर, पोस्ट या आर पिलर, दैट इज 30 सेंटीमीटर डायर। बिल्डिंग्स आजकल स्ट्रक्चर्स जो है मैक्सिमम डिजाइन जो है वो पिलर्स पे सपोर्ट करता है, क्योंकि वो पहले पिलर्स डिजाइन किए जाते हैं, देन यू डिजाइन द वॉल। तो अगर पिलर आपके सॉलिड है तो थिकनेस ऑफ द वॉल आप कुछ भी ले सकते हो, 10 भी ले सकते हो, 20 भी ले सकते हो। जस्ट जैसे मैं आपको बता रही हूँ कहाँ पर पिलर बी प्लेस, किसी से रूम तो आपको जो वॉल्स की कॉर्नर से यहाँ पर आपका पिलर डिजाइन होता है, देन यू शो द थिकनेस। ठीक है, नेक्स्ट है सिंबल ऑफ द ड्रेन। ड्रेन्स कहाँ यूज होती है, सेक्शन डॉक पे। तो इसमें आप क्या करेंगे, जस्ट एक ब्लॉक बनाना है आपको, रेक्टेंगुलर ब्लॉक और 45x45 का, बीच में आपने ये हॉलो दिखाना है, ये आउटर कवर हो जाएगा आपका, ड्रेन का कवर है, दिस इज ए सिंबल ऑफ ड्रेन। नेक्स्ट है कॉलम्स एंड वॉल। कॉलम एंड वॉल मैंने आपसे जैसे बताया है कि कॉर्नर्स में कॉलम ड्रा किए जाते हैं और बीच में आपको वॉल की थिकनेस होती है। दीज कॉलम्स आर 30x30 सेंटीमीटर। वॉल थिकनेस आप 20 ले सकते हो, 20 भी ले सकते हो, 10 और 20 सेंटीमीटर। बीच में आपने ब्रेक जरूर शो करना है, क्योंकि आप अल्टीमेटली पूरी वॉल की लेंथ को नहीं शो कर सकते, देन यू शो कितनी लेंथ को ब्रेक। ये कॉलम जो है कंक्रीट के हैं, तो यू हैव शो द सिंबल ऑफ कंक्रीट। नेक्स्ट सेम है कॉलम एंड इंसुलेटेड वॉल भी सेम सिंबल। फ्लोर एंड विदाउट वॉल। फ्लोर एंड विदाउट वॉल कहाँ यूज होती है, रिसेप्शन डॉक पे। लोअर एंड विदाउट वॉल में आपने ओनली सिंगल लाइन दिखानी है, मतलब इसका ही होता है कि आपकी रूफिंग है पर आगे का फ्रंट वॉल नहीं है, तो देन इसको हम बोलेंगे फ्लोर एंड विदाउट वॉल। सिंबल्स आर यूज्ड इन द रिसेप्शन डॉक। लोअर नेक्स्ट आपका है लोअर बियरिंग वॉल। लोअर बियरिंग वॉल में भी सेम, आपने वॉल की थिकनेस दिखाई है, इसको ब्रेक्स में शो करिए, इसको आप फिलिंग में दिखा सकते हैं, दिस इज ए लोअर बियरिंग वॉल। नेक्स्ट आपका सिंबल आता है रेलिंग। रेलिंग कहाँ यूज होती है, बाउंड्री वॉल में यूज होती है, स्टेयरकेस भी यूज होता है। तो आपको जस्ट ये सिंपल है रेलिंग का, लाइन विद सर्कल, यू शो लाइन विद सर्कल देन विद लाइन, बाउंड्री वॉल
रेलिंग आप जैसे कोई डेक पिट है, पिट के आसपास भी आपने जस्ट ये रेलिंग शो करेंगे, लाइन छोटा स्मॉल सर्कल, लाइन स्मॉल सर्कल। नेक्स्ट है आपका बाउंड्री वॉल। बाउंड्री वॉल आप बिल्डिंग्स की बाउंड्री को शो करने के लिए करेंगे, लाइन जस्ट आप जैसे सेंटर लाइन करते थे, लाइन प्लस स्मॉल डैश, फिर लाइन, फिर स्मॉल डैश, फिर लाइन। सेम नेक्स्ट सिंबल इज द मेटल रोड। मेटल रोड भी जैसे लोड बेयरिंग वॉल दिखाई है आपने, मेटल रोड जैसे आप सड़कों देखते हो रोड्स में, तो आप उसका सिंबल भी फिलिंग की तरह दिखाते हैं आपने, दिस इज ए मेटल रोड। सिंबल ऑफ अर्थिंग या ग्राउंड फ्लोर। नेक्स्ट है फर्स्ट फ्लोर, सिंबल ऑफ फर्स्ट फ्लोर। फर्स्ट फ्लोर में आप घरों में देखते हो, यू हैव टू शो द फर्स्ट, आपका क्या होता है लेंटर डाला जाता है, आरसीसी लेंटर होता है, देन उसके बाद कोर्ट बीच में फिर मड फस्का एंड रूफ टेरेसिंग। टोटल थिकनेस 30 सेंटीमीटर। कंटिन्यूटी को आप शो नहीं कर सकते क्योंकि नहीं मालूम कितना आपका रूफ का साइज है, तो यू हैव शोर विथ दी हेल्प ऑफ ब्रेक्स। इसमें आप यहाँ पर आप ब्रिक्स के डिजाइन दिखाएंगे और यहाँ पर आपका ब्रिक टाइल टेरेसिंग होती है। लास्ट फर्स्ट इज आरसीसी एंड फिर वॉल पिच में एंड मड फस्का एंड टाइल टेरेसिंग। नेक्स्ट सिंबल है ट्री। ट्री को जस्ट इज आपने स्टेप से शो करना है। Whenever you draw the master plan of the plant, then these symbols are used. Tree. These are the symbols of the building symbols and convention. First you have to draw. Any problem then you ask me. तो ये आपके उसमें डाल दिया जाएगा, इसको आप देखकर बना सकते हैं। इसमें कुछ भी प्रॉब्लम होगा बनाने में, अगर कुछ भी प्रॉब्लम आती है आपको तो आप फोन कर वो उससे पूछ सकते हो एमएसटी में। ये स्टूडेंट्स की बनाई हुई है, स्टूडेंट्स ने प्रिपेयर किया है।